जागो ग्राहक जागो जागो ग्राहक जागो। नमस्कार श्रोताओं, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूँ जानकारियों से भरा आज का ये कार्यक्रम जागो ग्राहक जागो। अरे भाई तुम लोगों को कुछ पता है क्या? अरे भाई कमाल हो गया है क्या, राघव की तो लॉटरी निकल गई है। वे क्या बात, अपना राघव पहलवान भी। जरा हमें भी तो दीदार करा दो भाई नए फोन के। अरे क्या दीदार करा दो इरफान भाई, अरे 2 घंटे से चार्जिंग पर लगा था फोन, जब घर से निकला तुझे फोन किया तो देखा बैटरी खत्म। अरे मुझे दिखा। अरे यार ये तो फिर बंद हो गया, देखा ना इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम लगती है राघव, कंपनी में दिखा दे तू। देखो भाई इसे देखना पड़ेगा, वो भी तसल्ली से। तसल्ली से ही देखिए भाई साहब, बस मेरा फोन ठीक होना चाहिए। अरे तो बात को समझो भाई साहब और इसे छोड़ के जाओ, 1 हफ्ते बाद आना ठीक हो जाएगा। अब आप ऐसा करें इसे बदल दीजिए। बदल दूं? अरे भाई खराबी आई है तो उसे दूर किया जाएगा ना, ऐसे ही थोड़ी होता है कि नया मोबाइल दे दूं, रिप्लेस नहीं हो सकता। राघव ने एक फैसला लिया और वो फैसला था अपने हक के लिए लड़ना, कंज्यूमर कोर्ट से अपने अधिकार की गुहार लगाना। 4500 रुपए में आपने ये फोन खरीदा जी, और 2-4 दिन में ही इसमें खराबी आ गई, ठीक करवाने पर भी ये ठीक नहीं हुआ। जी सर बिल्कुल ऐसा ही हुआ जनाब। आपने उसके बाद क्या किया, इनसे रिप्लेसमेंट की बात की? जी रिप्लेसमेंट और रिफंड के लिए कहा पर ये लोग नहीं माने, एक भी बात नहीं सुनी। ठीक है, हाँ भाई दूसरे पक्ष की तरफ से कोई है जो जवाब दे सके? जी जसब, जैसा मोबाइल शोरूम को कोर्ट का नोटिस भेजा गया था पर उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया और ना ही कोई कोर्ट में हाजिर हुआ है सर। तो बात साफ है, राघव के आरोप का वो लोग प्रतिवाद नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये कोर्ट मोबाइल शोरूम को ये हुक्म देता है कि वो मिस्टर राघव को उनके खराब मोबाइल फोन के बदले उसकी पूरी कीमत 45 दिनों के अंदर अदा करे।